नमस्कार, आप देख रहे हो पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के स्थापना दिवस पर श्रीमाधोपुर क्षेत्र में कई जगह पर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हुए। श्रीमाधोपुर ब्लॉक अध्यक्ष महेश फौजी ने बताया कि हमने श्रीमाधोपुर गौशाला में गोस्वामी की, उसके बाद श्रीमाधोपुर अस्पताल में जाकर मरीजों को केले बांटे और उसके बाद थोई गौशाला में आकर गोस्वामी की। आइए देखते हैं पूरी न्यूज। दिनांक 29/10/2021 को RLP के स्थापना दिवस के ऊपर श्रीमाधोपुर क्षेत्र के अध्यक्ष श्री महेश जी फौजी और उनकी पूरी टीम के द्वारा यहाँ गौशाला के अंदर गायों के लिए स्वामिनी की गई। उसके अंदर गांव के बहुत सारे प्रतिष्ठित व्यक्ति, यहाँ के अध्यक्ष महोदय श्री जीवन राम जी शर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, यहाँ के सचिव श्री अमित कुमार जी, श्री पुरुषोत्तम जी पारीख और अन्य सारे कार्यकर्ता यहाँ मौजूद थे। श्री महेश जी फौजी जो श्रीमाधोपुर क्षेत्र के अध्यक्ष हैं, इनकी भावना ऐसी रहती है कि मैं कोई भी कार्यक्रम में धार्मिक कार्यक्रम करूं। इन्होंने अपने पिताजी की बर्सी के ऊपर भी यहाँ गौशाला में स्वामिनी की थी। इसके अलावा अपने खुद के जन्मदिन के ऊपर भी इन्होंने गांव के अंदर और आसपास के अंदर बहुत सारे धार्मिक कार्यक्रम किए थे। तो इस स्थापना दिवस पर भी इनकी इच्छा थी कि मैं कोई धार्मिक कार्यक्रम ही करूँ। उसी कड़ी के अंदर आज यहाँ गौशाला के अंदर स्वामिनी की गई। संपूर्ण क्षेत्र की तरफ से पूरी RLP को बहुत बहुत धन्यवाद। लोकतांत्रिक पार्टी के स्थापना दिवस पर RLP के सभी कार्यकर्ताओं द्वारा सुबह से ही कई प्रोग्राम आयोजित किए गए थे। उसमें सर्वप्रथम हमने श्रीमाधोपुर गौशाला के अंदर दलिया और गुड़ गायों को खिलाया। उसके बाद में सरकारी हॉस्पिटल श्रीमाधोपुर में सभी पेशेंटों को केले वितरित किए। वहाँ प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद थोई ग्राम पंचायत में गौशाला में गौस्वामी का आयोजन किया गया, जिसमें यहाँ के समस्त स्टाफ, गुरुजी जीवन राम जी, अमित जी गुप्ता, कमल जी पारिक पत्रकार, सिंबू जी पत्रकार, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो अपना अमूल्य समय निकाल कर पार्टी के साथ योगदान किया। जय हिंद। के स्थापना दिवस पर तड़के स्थापना दिवस मनाया गया है, जिसमें श्रीमाधोपुर में गौशाला में गुड़ दलिया खुवाया गया है। उसके बाद में सरकारी हॉस्पिटल में फल वितरण किया। उसके बाद थोई में गौशाला का गोस्वामी प्रोग्राम किया गया। अतः RLP पार्टी परिवार और मेरी तरफ से सभी कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ प्रेरित करता हूँ। आज इस कार्यक्रम के लिए संपूर्ण कल्याणपुरा ब्लॉक, विशेषकर आज एक कार्यक्रम के आयोजक नाम का महेश फौजी पुत्र स्वर्गीय श्री परसाराम जी साईं के साथ श्री राजेंद्र कुमार जी पारीख एवं उनके समस्त टीम को गौशाला की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आशा करता हूँ कि भविष्य में ये सारी टीम अपने घर में जन्मदिन या शादी के उपलक्ष्य में ऐसा आयोजन रखेंगे, ऐसी आशा करता हूँ। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और ये प्रोग्राम इस तरह से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के श्रीमाधोपुर ब्लॉक के अध्यक्ष महेश फौजी के द्वारा श्रीमाधोपुर क्षेत्र में कई जगह पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देख रहे खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ग्रामीण क्षेत्र की न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।